हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, बिजनेस क्या है और उन सब चीज़ों के बारे में रिलेटेड बातें जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी लिमिटेड जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है उस कंपनी के बारे में जो बिजनेस ओवरव्यू है। कंपनी यहाँ पर क्या क्या सेगमेंट्स में जो है मेन अपना कंपनी जो अपना कारोबार करती है, प्रमोटर होल्डिंग, कैश फ्लो, क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से जो कंपनी के नतीजे और शेयर प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें क्या प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी 2008 के अंदर। और अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी लिमिटेड का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो है यहाँ पर फॉरेन लिकर, जो भी कंपनी जो मेन ऑफरिंग करती है, दैट इज चार मेन कैटेगरी, विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका के अंदर जो है ये कंपनी जो अपना मेन कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें कारोबार होते हुए भी देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है या एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विस्की हो गया, जिन हो गया, ब्रांडी, रम, वोडका, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तक भी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो है ये कंपनी मेन अपना काम करती है। और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। कंपनी अगर मैं यहाँ पर करंटली मार्केट कैप की बात करूँ तो 8,458 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और नियरली 10% के अप्रॉक्स यहाँ पर हमें डेट भी देखने को मिल रहा है। 835 करोड़ का यहाँ पर हमें डेट भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो 3,330 का यहाँ पर हमें प्राइस टू अर्निंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हमें ग्रो करते हुए रेवेन्यू साइड से दिख रही है, बट यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। मोटा मोटी अगर हम उसी के साथ में कंपनी का ROC देखते हैं तो यहाँ पर 15.6 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का खुद का इक्विटी है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का सिर्फ 0.62% का ही यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है ROE। तो ये जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव सेंटीमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। करंटली शेयर जो है 302 पे ट्रेड कर रहा है, 348 का हाई प्राइस और 282 का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई प्राइस से 10% का डिस्काउंट और लो प्राइस से भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मिड रेंज पर ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 38.2 का जो है फॉर द टाइमिंग देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कंपनी के नतीजों को भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नियरली देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू साइड जो है स्लोली एंड स्टडली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर एट द एंड जो यहाँ पर कंपनी बॉटम लाइन है उसके अंदर यहाँ पर हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और जो भी यहाँ पर जो कंपनी सेगमेंट में काम करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी कोई इतना बड़ा फॉलोअप जो होता है इस सेक्टर के अंदर फ्लेवर फॉर टाइमिंग देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो मार्च 2023 के अंदर 1 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने घाटा था, जो कि मार्च 2024 के अंदर जो कंपनी ने घाटा है वो -2 करोड़ का जो है देखने को मिला है। यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी जो थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, बट एट द एंड यहाँ पर कंपनी जो है मुनाफा नहीं कमा रही है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और जून 2024 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने 11 करोड़ का मुनाफा जो है यहाँ पर कंपनी ने दर्ज किया है। बट फिर भी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखने भी जाएं तो यहाँ पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी किस तरह से ग्रो करती है, कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू लाइन एक तरह से अच्छा है, बट यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी का जो पेट है वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ईयर ऑन ईयर भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो मार्च 2020 के अंदर जो कंपनी का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था वो नियरली यहाँ पर जो है मार्च 2024 के अंदर जो है नियरली 3,300 करोड़ का देखने को मिला। कंपनी के 3-4 साल के अंदर यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 10% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ है वो भी इतना कोई अच्छा डिसीजन जो है एक अच्छा सा नंबर जो है वो नहीं बताता है। कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मेजर जो होल्डिंग है प्रमोटर्स का 80.91% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है। लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो काफ़ी ज़रा कम है, तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पर जो शेयर प्राइस के अंदर जो है कोई बड़ा गिरावट या फिर बड़ा कोई यहाँ पर बढ़ोतरी होती है वो देखने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक के अंदर होल्डिंग देखते हो तो सिर्फ 11.53% की होल्डिंग जो है यहाँ पर हमें कंपनी नहीं, यहाँ पर पब्लिक के पास जो है रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा जो है होल्ड की गई हुई है। कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ पर हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है,
जो कि मेरे आपसे एक अच्छा सा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो नंबर है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है कंपनी को करंटली पैसा जो है ऑपरेशंस के हिसाब से डेफिनेटली मिलते हुए देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो -55 करोड़ का आंकड़ा, उसके अंदर से 46 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किए हुए हैं। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने जो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग है वो यहाँ पर नियरली 172 करोड़ की यहाँ पर 114 करोड़ की जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट और अच्छा नंबर दिखाता है। एक शेयर प्राइस की आप देख सकते हो कि जिस तरह से लिस्ट हुआ था शेयर 347 के हाई प्राइस से शेयर जो है 260 तक गिरते हुए देखने को मिला था। और यहाँ पर शेयर का जो मोमेंटम भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पर शेयर अपसाइड से गिरावट, फिर तेज़ी, फिर से गिरावट और यहाँ पर फिर से जो है अपसाइड के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है कि यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग शेयर एज वेल सेक्टर फ्लेवर में फॉर द टाइम बिंग मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी किस तरह से प्रोडिटेल करती है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन रहेगा कि यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स जो है वो किस तरह से आती है वो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पर हमने चेंजेस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।